हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में, कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जिसमें आपको 100% आप CSIR UGC नेट की सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये आपका जो टेस्ट है ये 21 फरवरी को होगा, संडे को 12 PM पे होगा और 1:15 PM पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपके मैथमेटिकल साइंसेस से 30 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इसमें रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक सेकेंड तक आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप रैंक 3 से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो 75%, रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो 50%, और रैंक 36 से रैंक 150 तक भी अगर आप आते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप जो है सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। सो लेट मत कीजिए, अभी इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए इनरोल करना है ताकि आप सब्सक्रिप्शन जो है उस पर स्कॉलरशिप जीत पाएँ। और एक सबसे खास बात, जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक दोनों के ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। प्लस पे बहुत सारे फीचर्स हैं पर आइकॉनिक पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपको प्लस पे नहीं मिलते, वो भी आपको आइकॉनिक पे फीचर्स मिलते हैं। जैसे स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल कोच मिलता है आपको, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आइकॉनिक पे जो कि आपको एडिशनल मिलती हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा10, और अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि जो 10% डिस्काउंट चल रहा है ये बस बहुत कम दिनों के लिए, उसके बाद ये आपका 10% डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो लेट मत कीजिए, अभी मेरा रेफरल कोड शिक्षा10 यूज़ करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप बेनिफिशियल होंगे। इनमें इस सीरीज में वो क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं या उससे रेलेवेंट, और अन्य जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इंक्लूड किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में शायद आ सकते हैं हमने वो इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन के अग्रणी थे? हड़प्पा स्थल की बात करिए कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो मुद्राएँ, कांसे के औजार, कपास या जौ, तो किसमें थे? कपास में अग्रणी थे। और जो हड़प्पा सभ्यता थी कब शुरू हुई थी, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा जो स्थल थी इसकी खोज कब करी गई थी, तो 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा जो हड़प्पा स्थल था उसकी खोज करी गई थी, ठीक है। तो किस में अग्रणी थे, तो कपास में। आगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा स्थल थे उसकी खोज कब करी गई थी, 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। नदी पूछी है, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, किस नदी के किनारे थी? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु, तो किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। जो हड़प्पा सभ्यता जो नामक स्थल था वो कहाँ पे? पाक के, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो हड़प्पा स्थल इसकी खोज करी गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, जो लोथल स्थल था कहाँ से थे? काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा। तो लोथल जो स्थल था कहाँ पर स्थित था? गुजरात में, एक बंदरगाह के लिए जहाँ जाता था, तो कहाँ पे? गुजरात में। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहस्त स्नानागार या विशाल जो स्नानागार प्राप्त हुआ था निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल या कालीबंगा, तो कहाँ पे? जैसे हम सबको पता है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो पाया गया था।
ठीक। जो मोहनजोदड़ो स्थल था उसकी खोज कब, मतलब ये कब खोज की गई, तो 1922 में किसके द्वारा, रखल दास बनर्जी द्वारा। ठीक, मोहनजोदड़ो जो स्थल था उसकी खोज कब 1922 में रखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था, तोल दिनार पण या काकड़ी, तो क्या था, पण, पण जो मुद्रा थी वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। मौर्य साम्राज्य कब स्थापना होती है, कब शुरू होता है, तो 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य जो था 322 ईसा पूर्व में स्थापना की थी किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। तो कौन सी प्रचलित मुद्रा थी, पण। आगे बढ़ते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, गुप्त काल में। जो एक चीज और, ये जो पण था ये चांदी का सिक्का था, ठीक है, चांदी का सिक्का होता था जो मौर्य साम्राज्य में काफी प्रचलित था। आगे पूछा, जो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या हर्षवर्धन था। तो किसमें किए थे, सोने के सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में जारी किए गए थे। आगे, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी, आरंभ हुई थी गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल विवाह की जो प्रथा थी किस काल में आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। गुप्त काल के कौन पहले थे या किसने शुरू किया था, तो श्री गुप्त द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, बाण भट्ट जो थे वो इनमें से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो किसके थे, हर्षवर्धन जो थे। हर्षवर्धन जो सम्राट थे उनके राज के बाण भट्ट जो थे वो राजदरबारी कवि थे। दूसरी चीज, जो एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, तो कौन थे, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के काल में उनके दरबार में आए थे। ठीक, और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्षचरित्र के लेखक कौन है, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बाण भट्ट से कवर किया है। तो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्षचरित्र के लेखक कौन है, जो हर्षवर्धन की जीवनी पे जो लिखा गया है हर्षचरित्र नाम का, वो उनके लेखक कौन है, किसने लिखी है, बाण भट्ट, नागार्जुन, चरक या पतंजलि। किसने लिखी, बाण भट्ट द्वारा। जो हर्षचरित्र है जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, तो किसने, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट ने एक और लिखी है, कौन सी, कादंबरी। कादंबरी जो है बाण भट्ट की दूसरी रचना, ये नाम याद रखिएगा। आगे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिख समुदाय है उसके अंतिम गुरु कौन थे, सी हो जाएगा हमारा, गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और पहले गुरु कौन थे, जो 10 सिख गुरु थे उनमें से पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी पहले। इन्होंने किसकी शुरुआत करी थी या स्थापना करी थी, सिख धर्म की शुरुआत करी थी। ठीक,
अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी या स्थापना करी। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी या शुरुआत किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तूतीय हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, इब्ने बतूता, असीम, अमीर खुसरो या दयान। तो जो तूतीय हिंद है, या इसको कहते हैं हिंद का तोता, तो किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर का, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदित्य चोल, राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल या कारिकाल चोल। तो किसने करवाया था? राजा राज चोल। जो तमिलनाडु के तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, वो चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी में जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें किसने किसको पराजित किया था? तो जो पहला युद्ध था वो कब हुआ था? 1191 में। ठीक, दूसरा कब हुआ था? 1192 में। पहला कब हुआ था? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी के पराजय हुए थे, यानी हार गए थे। ठीक, और दूसरे की बात करें, जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, उसने किसने किसको हराया था? तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक, तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी द्वितीय में, पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री, इतिहास से कुछ क्वेश्चंस कवर किए, बेसिक थे, जो मोस्टली एग्जाम्स में, निबंध एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।